मेरा नाम सोहन कुमार सिंह है, मैं आज आप लोगों को डिफरेंशियल पावर ट्रांसफर कैसे होता है व्हील तक इंजन से बताने जा रहा हूँ। ये हमारा इंजन में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट द्वारा इंजन स्टार्ट होता है और पावर उत्पन्न होना शुरू होता है। जब पावर उत्पन्न होना शुरू होता है तो फ्लाईव्हील में आता है, फ्लाईव्हील पावर स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज भी करता है पावर को। और पावर फ्लाईव्हील स्टोर करता है, फ्लाईव्हील से एक क्लच भी लगा रहता है और यह क्लच प्लेट हमारा, क्लच प्लेट गियरबॉक्स और इंजन के पावर को इंगेज और डिसइंगेज करने में मदद करता है। जब हम क्लच लेते हैं तो डिसइंगेज हो जाता है और क्लच को छोड़ते हैं तो इंगेज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से पावर आता है यहाँ हमारा गियरबॉक्स में, गियरबॉक्स में गियर को चेंज करते हैं गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, जैसा रोड रहेगा उस प्रकार से। इसके बाद गियरबॉक्स से पावर ट्रांसफर होकर सीधा यहाँ मेरा यहाँ स्लिप ज्वाइंट में आता है, स्लिप ज्वाइंट से होकर के यूनिवर्सल ज्वाइंट है उसमें आता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट में आता है, प्रोपेलर शाफ्ट घूमना शुरू होता है। उसके बाद फिर वहां पर यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा हुआ है, यूनिवर्सल ज्वाइंट से मेरा आता है यहाँ पर डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल में एक क्राउन गियर है जो ये बड़ा वाला क्राउन गियर है, क्राउन गियर इसमें पिनियन गियर की मदद से घूमना शुरू होता है और क्राउन गियर के अंदर से दो प्लेनेट गियर और दो सन गियर लगा हुआ है जो अंदर में है और इसी प्लेनेट सन गियर से एक दोनों साइड से हाफ शाफ्ट जो है शाफ्ट जुड़ा है और वही शाफ्ट में हमारा व्हील लगा रहता है जो रोड में गाड़ी को चलाने में मदद करता है। इस प्रकार से हमारा गाड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम।